ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश सरकार लोगों को घर द्वार स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने का दम भरती है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार के ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। रामपुर स्थित खनेरी अस्पताल 4 जिलों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, मगर यहां स्टाफ की कमी के कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने की कई दावे किए जाते हैं, मगर शिमला जिला में रामपुर के खनेरी स्थित अस्पताल में इन दावों की पोल खुलती नजर आती है। ये अस्पताल 4 जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाता है, मगर यहां पर्याप्त स्टाफ ना होने से लोग परेशान हैं। इससे खफा लोगों ने हिलोमो के बैनर तले अस्पताल के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल को सरकार नजरअंदाज कर रही है और स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित अन्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। ये जो भूख हड़ताल यहाँ शुरू है, कांशिक भूख हड़ताल शुरू की है, यहाँ पर 95 पोस्ट खाली पड़ी हुई है। स्टाफ पर 3 जिले का हॉस्पिटल है, ये किन्नौर, शिमला, एक नाम कुल्लू और मंडी। इसलिए बनाए थे ताकि जो यहाँ विस्थापित लोग हैं उनको यहाँ सस्ता इलाज हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर है ही नहीं है। और एक वो क्या नाम गानी हॉस्पिटल का डॉक्टर था, उसको भी ट्रांसफर किया एक नाम नरेंद्र डॉक्टर जी के पास, ये विभाग आया। और बड़ी विचित्र बात है, यहाँ अल्ट्रासाउंड जो है प्राइवेट में होता है वो 600-700 रुपये लगते, जबकि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन है वो खाली की खाली पड़ी हुई है। सरकार से मांगे यहाँ पर जितने भी विशेषज्ञ है उसको पूरा किया जाए। उल्लेखनीय है कि खनेरी का ये अस्पताल 4 जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाता है, मगर अस्पताल में डॉक्टरों के खाली पड़े पदों से मरीजों को इलाके से बाहर जाना पड़ता है। क्रमिक अनशन पर बैठे लोगों ने मांगे ना माने जाने तक आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। रामपुर से विशेष नेगी, 7SEA हिमाचल आजकल। शिमला में सूद सभा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सूद सभा द्वारा मेले का आयोजन किया गया। इस संबंध में 7 सितंबर से 30 सितंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सूद सभा की प्रेस सचिव वंदना भागना ने कहा कि सूद सभा की स्वर्ण जयंती महोत्सव पर कई प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी जिनमें हर वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। और इस मेले में हमने आज के दिन बैडमिंटन और टेबल टेनिस का आयोजन किया था। तकरीबन हमारे पास इस साल 80 से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। इसमें सारी कैटेगरीज़ का ध्यान रखा गया है कि बच्चों के अलग, गर्ल्स, वुमेन, मेन की सब अलग वो दी गई है। और टेबल टेनिस में भी हमारे पास तकरीबन 25 एंट्रियाँ आई हैं। इसमें हमारे कुछ विनर्स डिक्लेयर भी कर दिए गए हैं। और सूद मेले के उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उस पर हम लोगों ने ये स्पेशल आयोजन किया है बच्चों को ध्यान में रखते हुए। और आगे भी हमारे इसके बाद कार्यक्रम कल्चरल उस पार्टिसिपेशन में चलेंगे जो 14, 15, 16 से शुरू होंगे। राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह के मौके पर रोडू में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता SDM एम्मा अधिमान ने की। समारोह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह व पंचायती राज संस्थाओं के करीब 200 लोगों ने भाग लिया। SDM ने समारोह में संतुलित आहार पर अधिक ध्यान देने और सफाई के प्रति सजग रहने पर बल दिया ताकि पर्यावरण साफ सुथरा बना रहे। उन्होंने महिलाओं को शिशु पोषाहार के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी। तो बहुत सारी बीमारियां जो आती हैं वो पानी के जरिए आती है, तो इसलिए जब गर्मी आती है, खास करके इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, होने वाले क्षेत्र की, कि पानी छान करके और उबाल करके पीना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के बीच बैठ करके, खास करके महिलाओं के बीच बैठ करके ये चीजें बताएं, क्योंकि अगर घर में बदलाव लाना है और हमने अपने पड़ोस में बदलाव लाना है, अपने गांव में बदलाव लाना है, अपने प्रदेश में बदलाव लाना है, अपने देश में बदलाव लाना है, तो क्या जरूरी है कि महिला जो है शिक्षित हो जाए, परिचित हो जाए इस चीज से। और खबरों के इस सफर को यहां रोकते हुए आपको दिखाते हैं देशभक्ति से सराबोर कर देने वाला ये गीत। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये
पसंद से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। और जाते जाते नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किन्नौर जिले के दौरे के दौरान किए ताबड़तोड़ उद्घाटन व शिलान्यास, बोले सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने संगठन को मजबूत करने की कवायद की तेज, रामपुर दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार कर रही है बेरोजगारों के साथ खिलवाड़। प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोल रहा है जोगिंदरनगर हल्के का सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, जिसकी जर्जर हालत बयान कर रही है शिक्षा विभाग की लापरवाही। 7SEA हिमाचल आजकल में फिलहाल इतना ही, नई और ताजा दिन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे रुमन बाजवा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं